ठीक तो होना तू। कैसा तुम लोग? सर ठीक है, ड्राइविंग स्किल्स काम आ गई और कंडक्टर साहब की किस्मत अच्छी थी। सर बचा लो, बचा लो उन लोगों को सर। उन लोगों ने उनमें से एक आदमी को जान से मार दिया है। बाकी लोगों को तो जख्मी नहीं किया ना उन्होंने? नहीं सर, 16 पैसेंजर में से अभी तक तो सब सही सलामत है, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। वो लोग बात कर रहे थे कि अगर सियानी उनका पीछा करते रहेंगे तो वो हर घंटे एक एक पैसेंजर को बस से बाहर फेंक देंगे। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, इसको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो जल्दी। फ्यूल खत्म हो गया, हमें जल्द से जल्द फ्यूल भरवाना होगा। कम है ना, खत्म तो नहीं हुआ है ना। चल चल, तू गाड़ी चलाता रहे, ज्यादा शाना मत बन। देखो 10-15 मिनट के अंदर फ्यूल खत्म हो जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी। अबे ओ, ज्यादा होशियारी मत कर, मुझे सब पता है। यहीं पैर में गोली मार दूंगा, समझे? फिर मैं बताऊंगा सब कुछ। शायद ही सही कह रहे हैं, इसकी बात मान ले। अभी तू डिसाइड करेगा सही क्या है गलत क्या है। हां, तुझे किसने बोला मेरे बीच में भूल के टांग अड़ाने के लिए? तू लीडर है इस ग्रुप का या मैं लीडर हूँ? तू क्यों बकबक करता है बे? तू है कौन? अपनी औकात पर है, हर चीज मैं ही डिसाइड करूंगा, समझे? घूर क्या रहा है, मारेगा क्या? चल निकल यहां से, निकल। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चलाता रहूंगा, लेकिन अगर गाड़ी रुक गई तो सीआईडी पीछे आ रही है, तुम सोच लो। अगर ये बस रुक गई ना अंगद, तो हम सबका खेल खत्म। अबे इतना डर लगता है तो तू आया क्यों यहाँ पर? चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां पहन ले और घर में जाके बैठ जा। लूटने आया क्यों तू बैंक हमारे साथ? ए, पास वाले पेट्रोल पंप पर ले चल, फुल टैंक करवा। बस में फ्यूल डिपो में ही भरवाया जाता है, कहीं और नहीं। फ्यूल भराना है तो डिपो जाना ही होगा। पास वाले पेट्रोल पंप पर ले चल, वरना इधर ही तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा। क्या चल? भाई क्या है ये? बीएसटी बस के लिए नहीं है, गैस भरवानी। अरे यार यहाँ पर बीएसटी बस में गैस नहीं भरी जाती। देखो मेरी बात सुनो। अरे यार तू नया है क्या है? तुझे पता नहीं है बीएसटी बस में गैस डालने का नोजल अलग होता है, समझा? अब चल निकल यहाँ से। अरे निकल भाई। सुन लिया तुमने? अब क्या करूं? निकल यहाँ से। और सुन, पास में कोई बस डिपो है जहाँ पे गैस भरा सकते हैं? हाँ, आगे थोड़ी दूर। चल माले, चल चल। अरे निकल भाई। बोल उसे टंकी फुल करने के लिए, चल। फ्यूल फुल कर दो। सुना नहीं देता क्या? चल टंकी फुल कर। अंगद, we'll be right back.
पूरी पलटन लेकर आए हैं सीआईडी वाले। लीडर बनना था ना, बनो बनो लीडर। अभी देख सीआईडी वालों ने ऐसा जाल बिछाया है कि सब के सब गए हीरो बन हीरो। सुनो अंगद, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। बेहतर है कि अपने हाथ ऊपर उठाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अंगद, ऐसे नहीं मानेगा सर। अब एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। एसीआईडी, एक्शन से पहले ट्रेलर तो देख ले। एसीपी साहब, ऐसे ग्रेनेड और भी है मेरे पास, और हम यहाँ इस पेट्रोल पंप में हैं। अगर मैंने एक ग्रेनेड फेंक दिया ना, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यह बस अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरी बस चाहिए टंकी फुल करके। सर, ये आदमी पागल हो गया है, कुछ भी कर सकता है। हमें थोड़ी देर के लिए इसकी बात मान लेते दया, दे देते हैं उसको दूसरी बस। सुनो, तुम्हारी बात हम मानने को तैयार हैं। हम तुम्हें दूसरी बस दे देंगे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं करोगे तुम। अच्छी बात है, चल चलो। नाम पता है, हिस्ट्री सब मालूम है, सीआईडी वालों को सब पता है बेटा। क्या करेगा लीडर, लीडर क्या करेगा? है इधर कुछ चल रहा है। अब मुझे मत सिखा, संभाल लूंगा मैं। अबे क्या संभालेगा तू, सब बिगाड़ दिया। बस देखता जा, तू देखता जा। पंडी, बस आ गई है, जाके चेक कर। जा। ठीक है, चल जा पीछे जा। सबको इकट्ठा कर, दो लाइन बना, एक हमारे आगे एक हमारे पीछे, ठीक है? चल चलो, सबको लेके चलो। चलो जल्दी उतरो, चलो चलो। मासूम लोगों को बंधक बनाया इन लोगों ने, एक बारी हमारे शिकंजे में आ जाए ना, पूरा बैंड बजा देते इनका। चल जल्दी गाड़ी चालू कर, चल चल। अभी भी सलामती चाहता है ना, तो पुराना वाला ड्राइवर मांग। ये ड्राइवर सीआईडी का आदमी भी हो सकता है।
बेटा, कच्चे हो अभी। एसीपी, ये ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे, अपना पुराना वाला ड्राइवर चाहिए, उसे भेज। अच्छा ठीक है, ए, चल जा, उतर। सीआईडी को आज पता चल गया होगा कि वो शहर है तुम सभा से। सीआईडी को उतार दिया आईने में। ज्यादा उछलो मत, वो भी कम नहीं है, समझे? बस के पीछे की तरफ की लाइट जरा ब्लिंक करो, ऑन ऑफ करो। सर, उसने आपकी बात सुन ली है। प्रकाश घबराओ मत, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। सीआईडी की कार तुम्हारे बस के पीछे चल रही है। लाल रंग की कार जो देख रहे हो उसमें सीआईडी की टीम है। अब ध्यान से सुनो, सीआईडी का एक बहादुर ऑफिसर तुम्हारे बस में एंटर होगा पीछे से। जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तुम पैसेंजर को बोलना नीचे झुक जाएं। समझ रहे हो? सिग्नल दूंगा तो तुम पैसेंजर को बोलोगे कि सब नीचे झुक जाएं और तुम बस चलाते रहना। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो पीछे की लाइट दो बार ब्लिंक करो, दो बार ऑन ऑफ करो। बहुत अच्छे, अब सिग्नल का इंतजार करो प्रकाश। रेडी, तुम तैयार हो? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। लेकिन सर, बस तो चलती ही जा रही है, अंदर कैसे घुसेंगे? एंटर करने वाला ऑफिसर बस के ऊपर चढ़ चुका है। फ्रेडी सर, सीआईडी ऑफिसर पहले से ही बस में पहुंच चुका है। कौन है वो सर? एक नया ऑफिसर है पूर्वी, इंस्पेक्टर काविन। सर, ये नाम तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। काविन एक नया जाबाज ऑफिसर है फ्रेडी, हिम्मत और जोश से भरा हुआ है। लेकिन सर, एक नए कॉप को ऐसे खतरनाक मिशन पे क्यों भेजा? उसने खुद ही बोला इस मिशन में शामिल होने के लिए। प्रकाश, तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो राइट साइड की लाइट ब्लिंक करो एक बार। गोली मत चलाना। नहीं, नहीं, तू चलाता रहे, चल।
चला, चल। कैबिन रेडियो। आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहा हूं सर। ड्राइवर तैयार है, मैं काउंटडाउन शुरू करता हूं, सब तैयार रहना। ओके, वन पे अंदर जाना है। आई एम रेडी सर। प्रकाश रेडी रहना। पांच चार नहीं, तेज चला, चल। तीन दो और एक। क्या हो रहा है? तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। सीआईडी वालों की बात मान लो, सब के सब बेमौत मारे जाओगे। बस इधर उधर हो रहे हैं, सब मारे जाएंगे, इसलिए कहता हूं मुझे बस चलाने दो। साहब, पैसेंजर्स को बचा लो। सर, सर बस कंट्रोल हो रही है। काविन सर से पूछिए हम क्या कर सकते हैं। अभिजीत सर, बस के ड्राइवर को गोली लग चुकी है, बस मैं चला रहा हूं, पर एक प्रॉब्लम है, बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं। माय गॉड, ब्रेक फेल हो गया है। कंट्रोल करो किसी भी तरीके से, बस धीमी करने की कोशिश करो। गियर चेंज करो। मैं कोशिश कर रहा हूं सर, पर स्पीड कम नहीं हो रही। ब्रेक के एयर बॉक्स में गोली लग चुकी है, ब्रेक्स पूरी तरह से फेल हो चुके हैं सर। काविन, थोड़ी दूर पर एक लेफ्ट टर्न है, फ्री टर्न है, गाड़ी उसमें डाल दो, सीधे समंदर की तरफ जाएगी, उधर ट्रैफिक भी नहीं है। जी सर। गाड़ी का टैंकर लीक कर रहा है, हो सकता है डीजल खत्म हो जाए तो बस अपने आप रुक जाएगी, तुम चलाते रहो। संभल के बैठना, बस का ब्रेक फेल हो चुका है, बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ।
बेहतर होगा अपनी गन नीचे रख दो, हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। रास्ता? रास्ता? अगर तुम चाहते हो ना कि यहाँ पर खून खराबा ना हो तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर मंगा दो, और 20 मिनट में ये हेलीकॉप्टर यहाँ होना चाहिए। वे हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर है क्या जो 20 मिनट में आ जाएगा? मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा। सोच लो, अगर 20 मिनट में यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं आया ना, तो उसके बाद हर 5 मिनट में यहाँ पर एक एक पैसेंजर की लाश पड़ी होगी। नहीं, नहीं, कुछ नहीं करना किसी को। मैं कोशिश करता हूँ, मंगाता हूँ हेलीकॉप्टर, किसी को कुछ मत करना। जल्दी, सिर्फ 20 मिनट। चल, बीस मिनट में हेलीकॉप्टर आने वाला है, तैयार रहना। अबे वो हेलीकॉप्टर बच्चा है, बच्चा अभी तो। मैं बोल रहा हूँ मेरे को संभालने दे, मजाक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें उनको निकाल दूंगा। ये जो सीआईडी वाले होते हैं ना, कुत्तों की तरह मारते हैं इस टाइम पे, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, समझा? मच्छी की तरह फड़फड़ा रहा है, लेकिन अभी भी दम है तुझमें। हाँ, दम निकालूंगा तेरा। तू तो बोलता है पीठ पीछे पेट पे मारा था तूने, तो कैसे मारना, मार दम नहीं है तेरे को। पेट में मारा था ना, खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। बस 20 मिनट में हेलीकॉप्टर पहुंचता ही हुआ। अगर 20 मिनट में हेलीकॉप्टर नहीं आया तो क्या करेंगे? तो 20 मिनट के बाद हर 5 मिनट में इनमें से एक मरेगा। ये सर, आप ये क्या हुआ? सर पागल हो गया है, 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए। नहीं तो 5-5 मिनट के अंदर मैं एक एक आदमी की जान लेता जाएगा। क्या हेलीकॉप्टर मांग रहे? काम करो, मंगवाओ हेलीकॉप्टर, दे दो उनको, सही मौका है हमें मासूम लोगों को बचाने का, उन पैसेंजर्स को मंगवाओ। यस सर। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी हाँ, मुझे 20 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए, 20 मिनट के अंदर। हाँ हेलो काविन, काविन मेरी आवाज सुन रहे हो? काविन, हेलो काविन, पता नहीं काविन ठीक है भी कि नहीं, उससे कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, वरना प्लान आगे कैसे बढ़ेगा? सर हो सकता है उनका ईयरफोन सिग्नल नहीं पकड़ रहा, पता नहीं क्या है। काविन, काविन अभिजीत बोल रहा हूं। काविन, काविन मेरी आवाज सुन रहे हो? काविन, काविन, हेलो काविन। यस सर। काविन, काविन तुम ठीक हो? तुम ठीक हो काविन? मैं ठीक हूँ सर। काविन एक प्लान है। सुन रहा हूँ सर, कहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, टाइम आ गया है उनका बैंड बजाने का।
हेलीकॉप्टर आ गया, चल सबको इकट्ठा कर, निकाल रहे बस से, चल। मेरी बात मान, मैं कह रहा हूँ अभी भी गलती कर रहा है तो सबके सब कुत्तों की तरह मरेंगे, सबको मरवाएगा तू। मैं जो कह रहा हूँ वो कर, बात समझ, नहीं तो मरेंगे। क्या समझता है एड़ा हूँ मैं, हाँ इस गेम में नया हूँ क्या? हाँ ये 16 लोग देख रहे हैं ना, ये 16 लोग अपनी टिकट है, जिंदगी की टिकट, समझा? अब तू सुन चुप करके, जिंदा रहना चाहता है ना तो हमारे साथ चल, अगर CID की गोली से मरना चाहता है ना तो इधर ही बैठ, बैठ इधर आराम से। हाँ सोच ले, अभी भी टाइम है तेरे पास। ए बटी रोकी, चल चल एक एक को लेके चल। चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो, चल। ए चलो बाहर निकलो, निकलो बाहर निकलो, एक एक करके बाहर निकलो। जैसे ही गोली चलेगी सब लोग झुक जाना, लेट जाना सब लोग। ए, चल, कोई नाटक नहीं, हथियार नीचे, हथियार नीचे। लाशों को पहुंचाने का इंतजाम करो। जी सर। ये मिशन कंप्लीट हो गया सर। हाँ सारे निर्दोष लोग बच गए, ये तो बहुत खून खराब हो जाता है। चलो। यस सर। अच्छा।
सर ये देखिए, ये चारों फोटोज मुझे उस कबर्ड में मिली। मतलब इन चारों को मैंने कहीं देखा है? काम ये मैं भी सोच रहा हूं कि इन चारों को मैंने कहां पे देखा है। ये चारों तो उसी बस में पैसेंजर्स थे जो बस हाईजैक हुई है। क्या ये सबका क्या मतलब हो सकता है सर? इन फोटोज का यहां होना बहुत कुछ कहता है। हाँ सुजिन, क्या ठीक है, चारों के फोटोग्राफ भेज दो जल्दी। हाँ क्या हुआ सर? अभिजीत, इस बैंक रॉबरी के पीछे जिसका भी दिमाग है ना, उसके घर में से चार कैदियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं। वो चारों कैदी हाई सिक्योरिटी जेल में से भागे हैं। और हाँ, इस बस में पैसेंजर बने हुए थे वो। यहाँ पे? हाँ, लेट्स गो। रेडी, इधर जल्दी। इन चार पैसेंजर्स को देखा है? कह दिए ये चारों लोग। सर अभी अभी तो इधर थे। फिर गए कहाँ? एक काम करो, फैल जाओ सब लोग और ढूंढो उनको। हाँ अभिजीत, ये सारा का सारा प्लान था इन चारों को शहर से भगाने का। बैंक रॉबरी के बहाने बस हाईजैक करना सब धोखा था। पैसेंजर के साथ मिलकर चारों निकल गए। हाँ निकल तो गए, पर कब तक और कहां तक? पूरी हिफाजत के साथ ले आए। जरा सोचो, अगर उन्हें पता होता कि वो चार फरार कैदियों को पुलिस से बचा रहे हैं तो तुम्हारी खैर नहीं थी। अरे क्या मस्त प्लान था यार, एकदम सॉलिड। और सबसे बड़ी बात है, जैसा प्लान वैसा ही रिजल्ट। इसमें आप लोगों की मेहनत बहुत है, इसका फल भी वैसे ही मिलना मांगता तुमको। अरे सीआईडी वाले तो अभी चक्कर खा रहे होंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि कोई उन्हें ऐसा भी उल्लू बना सकता है। बड़े चालाक बन रहे थे, सीआईडी वालों से पंगा लिया। बहुत बड़ा प्लान बनाया था हमें फंसाने का, ये सोचकर कि चारों लोग तुम शहर से गायब हो जाओगे और पुलिस यहां तुम्हें शहर में ढूंढती रह जाएगी। क्यों? इसीलिए बड़ी चालाकी से तुम बस के पैसेंजर्स में मिक्स हो और आंखों में धूल झोंकने के लिए अंगद और चिंटू को लालच दे के बैंक लुटवा दिया और फिर उस गाड़ी को टोक करके उन बैंक रॉबर्स के लिए ऐसे हालात पैदा किए कि उन्हें उसी बस में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हा? उन चारों को बस में घुसने के लिए मनाया कैसे तुमने? सर, सर मैंने अंगद को इस प्लान के बारे में बताया था। लेकिन अंगद को ये नहीं बताया था कि इस प्लान में उसकी जान भी जा सकती है। एक बैंक लूटा,
बीएससी बस हाईजैक की, जिसमें मासूम लोग थे, मतलब उन्हें भी किडनैप किया और तो और एक खून भी किया। ये जुर्म तो एक देशद्रोही ही कर सकता है, तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। प्लीज प्लीज सर, ले जाओ इसे, चल। नवीन, वेलकम टू सीआईडी। थैंक यू सर। सुशांत, वेलकम। थैंक यू सर। लेट्स गो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.